हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ्स के फंक्शन के पार्ट थ्री में एडिशन ऑफ लाइफ फंक्शन सीखेंगे। ठीक है, कुछ हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे 1/6 प्लस 1/4/6, 3/5 प्लस 8/5, 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7, और फोर्थ क्वेश्चन दिया है 4/8 प्लस 3/8 प्लस 4/8। इन क्वेश्चनों में लाइफ फंक्शन क्यों है? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। आपको बताया था हमने कि लाइफ फंक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है। देखिए, जैसे इसका 6 6 दोनों में कॉमन है, इसमें 5 5, इसमें 7 7 7, इसमें 8 8 8। ठीक है, लाइफ फंक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। अब इनको हमको ऐड करना सीखना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1/6 प्लस 4/6, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको नीचे 6 कॉमन दिख रहा होगा, तो एलसीएम हमने क्या ले लिया 6। ठीक है, जो कॉमन दिख रहा है उसको हमने एक बार लिख लिया, और ऊपर क्या बचा हमारे पास में 1 प्लस 4। ठीक है, क्या करा हमने, नीचे 6 कॉमन दिख रहा था, हमने 6 लिख लिया, और ऊपर क्या बचा 1 प्लस 4। इसको अपन ऐड करेंगे, ये क्या बनेगा 5/6। This is क्या करा हमने, क्वेश्चन दिया था हमें 1/6 प्लस 4/6, इसको ऐड करना था। ऐड करने के लिए हमने क्या करा, नीचे डिनोमिनेटर सेम था उसको एक बार लिख लिया, ऊपर के डिजिट 1 प्लस 4 ऐड करा 5/6। This is आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 3/5 8/5, इसमें हमको डिनोमिनेटर सेम लिखना है, क्या 5। ओके, ऊपर क्या डिजिट दिख रही है हमको 3 प्लस 8, क्या करा, डिनोमिनेटर सेम लिखा था 5 लिख लिया, और ऊपर के डिजिट 3 प्लस 8 लिख ली। अब इसको अपन ऐड करेंगे, कितना आएगा 11/5। ये क्या है, लाइफ फंक्शन के ऐड। क्या करा इसमें 3/5 8/5 है, 8 कॉमन दे दिया, 1 आ गया, 3 प्लस 8 इनको ऐड करोगे कितना आएगा 11/5। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, वही प्रोसेस अपनाना है हमें। क्या है, 3 2/7 3/7 4/7, कुछ नहीं टेंशन लेना है, जो डिनोमिनेटर है उसको 1 टाइम लिख देंगे, जो डिजिट है 2 प्लस 3 प्लस 4 इनको प्लस लगा देते हैं, क्या 2/7 का 2, 3/7 का 3, और 4/7 का 4, और 7 कॉमन है। अब इनको क्या करेंगे, प्लस, कितना आएगा 3 2 5 5 4 9, तो 9/7 ये भी आंसर। क्या करा हमने, 7 कॉमन दे दिया, 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या 9/7। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 4/8 3/8 एंड 4/8, इसमें अपन को क्या लिखा है, 8 अपन ने कॉमन ले लिया, इसे क्या बची 4 प्लस 3 प्लस 4, कुछ नहीं करना, नीचे कॉमन ले रहा था अपन ने लिख लिया, और ऊपर बटी 4 प्लस 3 प्लस 4, अब इसको ऐड करना है 11/8, 4 4 8 8 और 3 11/8। एक बार फिर से देख लीजिए, 1/6 प्लस 1/4, क्या करा, नीचे डिनोमिनेटर सेम था उसको 1 टाइम लिख लिया, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5/6, इसमें 3/5 और 8/5, इसमें 5 कॉमन आ गया, 3 प्लस 8 11/5, इसमें देखिए 2/7 3/7 और 4/7, 7 तीनों में कॉमन था, अपन 1 टाइम ऐड कर लिया, 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको प्लस करेंगे कितना आया 9/7। इसमें भी मुझे देखिए 4/8 3/8 एंड 4/8, इसमें 8 कॉमन आ गया, क्या बचा 4 प्लस 3 प्लस 4, 4/8 और 3 11 11/5।
दिस इज एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। चलिए स्टूडेंट देखो कुछ आपको क्वेश्चन दे रहे हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन के, जो होमवर्क में है आपको ये घर में सॉल्व करना है और फोटो खींचकर ग्रुप में अपने डाल सेंड करना है। जैसे दिया 4/8 प्लस 3/8 इसको भी ऐड करना है, 7/5 3/5 प्लस 2/5 इसको भी ऐड करना है, 7/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 इसको भी आपको डिनोमिनेटर सेम है बस ऐड करना है और जो भी आप इसमें सॉल्व करें उसकी फोटो खींच कर आप अपने ग्रुप में सेंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन है इनको आप सेंड करें ऑफर होमवर्क में करिए। ओके स्टूडेंट अब अपन सब्ट्रैक्शंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस सीखेंगे। जैसे अपन ने एडिशन करी थी एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस उसी टाइप से थोड़े से सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस ये भी हैं। इसमें आपको डिजिट दिए जैसे 9/3 माइनस 5/3, 10/5 माइनस 3/5, 10/4 माइनस 8/4, फोर्थ क्वेश्चन है 11/5 माइनस 7/5। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है 9/3 माइनस 5/3, ठीक है इसमें अपन क्या देखेंगे डिनोमिनेटर्स इक्वल तो 3 वन टाइम ऐड करते हैं। अब हमें क्या दिख रहा है 9 माइनस 5 क्या करा हमने डिनोमिनेटर में सेम दिख रहा है वन टाइम मेंशन कर दिया ऊपर डिजिट क्या बची 9 माइनस 5 ठीक है इसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे आप भी करते चले तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4/3 दिस इज आंसर ठीक है क्या करा 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा कितना आंसर आया 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन 10/5 3/5 इसमें क्या है 5 डिनोमिनेटर सेम है 5 को वन टाइम मेंशन कर दिया अब ऊपर क्या बचा हमारे पास में 10 माइनस 3 ठीक है 10 माइनस 3 ओके 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आंसर आएगा 7/5 क्या करा हमने 10/5 माइनस 3/5 में से 5 कॉमन ले लिया वन टाइम मेंशन कर दिया 10 माइनस 3 ऊपर मेंशन कर दिया 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 7/5 आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए 10/4 माइनस 8/4 इसमें 4 कॉमन था वन टाइम मेंशन कर दिया अब ऊपर जो बचा हमारे पास 10 माइनस का 8 ठीक है क्या करा 4 कॉमन था वन टाइम मेंशन कर दिया 10 माइनस का 8 लिख दिया आप क्या करेंगे 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आंसर आएगा 2 और अपॉन में क्या था 4 ठीक है अब क्या है इसको हम यहां पे नहीं छोड़ेंगे क्यों क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें ना कट इसको क्या करेंगे हम ये 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है क्या 2 बन जा 2 और 2 हो जा 4 जो कॉमन टेबल होगा उससे ही हम इसको डिवाइड दे देंगे तो 2 बन जा 2 1 और 4 2 4 2 हो जा 4 2 तो हमारे पास क्या बन गया 1/2 दिस इज आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए 11/5 माइनस का 7/5 इसमें क्या करना है 5 में कॉमन दिख रहा है राइट कर दिया ऊपर क्या बचा 11 माइनस का 7 ठीक है क्या करा हमने 11 माइनस का 7 मेंशन कर दिया और नीचे डोमिनेटर सेम था कॉमन था वन टाइम मेंशन कर दिया और 9 माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट करा 4/3 ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 10/5 माइनस 3/5 इसमें 5 कॉमन लिख दिया 10 से 3 सब्ट्रैक्ट करा 7/5 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन था 10 अपॉन द 4 माइनस 8 अपॉन द 4, इसमें क्या 4 कॉमन था वो लिख लिया और 10 माइनस का 8 मेंशन कर दिया। ठीक है, अब 10 में से 8 सबट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2 और 4 नीचे। अब इसमें देखिए दोनों डिविजिबल दिख रहे हैं तो हम 2 से 2 में डिवाइड कर देंगे और 2 से 4 में डिवाइड करेंगे, सेम टेबल से ऊपर नीचे डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, दैट इज आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए 11.5 माइनस 7.5, 5 कॉमन आ गया 11 माइनस का 7, 11 में 7 सबट्रैक्ट करेंगे 4, 4 फ्रॉम द 5 दिस इज आंसर। अपन जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसके लिए होमवर्क दे रहे हैं आपको 10 अपॉन का 8 माइनस का 7 अपॉन का 8 क्वेश्चन नंबर 2 है, 15 अपॉन का 7 माइनस 12 अपॉन का 7 इसको भी सबट्रैक्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन दिया है आपको 4 अपॉन का 5 माइनस का 1 अपॉन 5 इसको भी सबट्रैक्ट करना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 7 अपॉन का 6 माइनस का 3 अपॉन का 6, इन क्वेश्चन को आपको भी सॉल्व करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको फोटो खींच कर अपने स्कूल के ग्रुप में सेंड करना है। ये आपका होमवर्क हो गया।